behalf of Controllers Productions, I would like to welcome you all to a very special evening. My name is Khalim Ahmed, and I'm the assistant producer for today's event. And before I call up our director to say a few words, I just want to point out that over time, we lose track of friends, we get married to the job, and we all go through our own hardships as we plod along through our lives and through our careers. But it's always important to stay aware of the problems that other people face, the issues and obstacles they have to overcome, and the demons that they are fighting. And that's what Patronus is all about. Last year, how many of you were here last year at our play, Mebulia? That's great to see. So last year we tackled dementia, and this year we're tackling depression. And to talk to you about our what we have in store for you today, I want to invite Dr. Taha Sabri, an alumnus of the Aachen University and our director for today's event. Dr. Taha. Thank you, Vinny. Good afternoon, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. It's surreal to be back here after 5 years. There's some post character who has me to obey to my heart. Even though that's very reputable things, so nothing to be ashamed of. So when I was in ATU, we did a bossy case here on different issues. Mr. Amir Khani was very happy when we graduated. So mental health is something which is very personal to me because I'm a survivor of mental illness. So that is why when two of the guys, Dr. Sanya told me that data of the player, my director, so that's how I came to the picture. So most of the work was done by these brilliant young students, and I just came after my lecture in Bona, so that was why I was called in for some reason. Hopefully you guys will enjoy the play. Please apne mobile phone aur zano ko band kar dein taaki hum aaj ki jo lecture ko shuru kare. Thank you. Thank you very much, and I really hope you enjoy tonight's this evening proceedings. Thank you. चाय
तुम्हें पता है ना ये मेरा चाय का वक्त है, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी चाय लाने में? जी तारिक साहब, चाय तो मैंने बना के रख दी थी, वो दरअसल वर्दा की कॉल आई थी, बता रही थी कि अदील का मेडिकल में दाखिल हो गया है। तुम बस दूसरों की खुशियों पर ही खुश होती रहना। क्यों तारिक साहब, हमारे बच्चे थोड़े ना किसी से कम है, और वैसे भी हर बच्चे की अपनी काबिलियत होती है। काबिलियत वो होती है जो नजर आए, हमारे बच्चे करते ही क्या है सारा दिन? क्यों तारिक साहब, सारा दिन तो मेहनत करते रहते हैं हमारे बच्चे, आमना अपनी प्रैक्टिकल की तैयारी कर रही है और हमजा अपने प्रोजेक्ट में मसरूफ है। चलो इन दोनों का तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, वो तुम्हारा लाडला कहाँ पर है? शहरी तो अभी तक घर नहीं आया, लेकिन कॉलेज में ही मसरूफ होगा, फारिग होते ही घर वापस आ जाएगा। हाँ हाँ मुझे मालूम है कितना मसरूफ रहता है वो, आता है तो पूछता हूँ उससे। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। क्या हुआ है? अब्बू कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बाद में आ जाऊंगी। कुछ तो हुआ है। अब्बू कुछ भी नहीं है, बस छोटी सी बात थी। कोई तो बात है जो इसके आगे सरका रही हो? वो अब्बा अगले हफ्ते मेरा फेयरवेल है, बस उसी के कुछ कपड़े। कपड़े मैंने तुम्हें पिछले महीने नहीं लेके दिए? अरे तुम कॉलेज पढ़ने जाती हो या किसी फैशन शो पर जाती हो? लेकिन अब्बू मेरा फेयरवेल, मेरा आखिरी साल। अब्बू बेटा आखिरी साल को छोड़ो, ये तुम्हारा पढ़ाई का वक्त है, और पैसे का दरख्तों पर रुकते हैं जो मैं रोज तुम्हें नए कपड़े लेके दूं। अगर तुम्हें कोई किताब चाहिए, कोई पेंसिल चाहिए तो मुझे बताओ, तुम्हें अभी ला कर दूं। नहीं अब्बू, सब कुछ है मेरे पास। देखो इसका शक्ल नहीं बनाओ, अब्बा तुम्हारे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, और कोई जवाब ना खटखटा रहा है, शहरी तो नहीं आ गया घर, जाओ देखो। सलामुलेकुम। कहाँ जा रहे हो? अब्बा मैं अपने कमरे तक जा रहा हूँ। रिजल्ट नहीं आना था आज तुम्हारा? रिजल्ट तो डिले हो गया। ऐसे कैसे डिले हो गया? पता नहीं, यूनिवर्सिटी वालों ने किया। हाँ तुम मुझे साफ बताओ, तुम पास हुए हो, फेल हुए हो या सस्पेंड कर दिए गए हो? अब्बा होना तो पास ही था। हाँ हाँ तुम्हारा लाडला तो बहुत मेहनती है, पास हुआ है। पढ़ो ये क्या है, ये साहबजादा तुम्हारा जाता तो था कॉलेज, आज तक इसे क्लास में जाने की ज़हमत नहीं गई, और सस्पेंड होकर आ गया ये। शरीफ बेटा ये क्या है? बताओ इसे क्या है? सॉरी। अब क्या कर रहे हो यहाँ खड़े? दबाओ जाओ अपने कमरे में। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी जी क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? अब्बा पढ़ रहा था बैठकर। ये फोन आ रहा है किसी का। हेलो हेलो कौन बोल रहा है? तलाल, वही तलाल जिसके साथ तुम सारा दिन आवारा करती करते हो? ऐसी बात नहीं, तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो, आइंदा यहां फोन किया तो फोन नहीं करना यहां आइंदा। और तुम ये किन कामों में लग गए हो? तुम्हें मैंने कहा है तुम सस्पेंड होकर आए हो, पढ़ लो अपना कुछ बना लो। अब पढ़ ही रहा था बैठकर। यहाँ मैं हूँ, इसके लिए लोगों की मिन्नतें कर रहा हूँ, फोन करके उन्हें कह रहा हूँ इसको कुछ बना लो, और तुम अपने भाई से ही कुछ सीख लो। हमजा, हमजा इधर आओ। जी बाबा आ रहा हूँ। फोन तो तुम्हारा मैं रख रहा हूँ। जी बाबा क्या हुआ? तुम्हें पता है क्या किया इसने? अब क्या किया इसने? सस्पेंड होकर आ गया ये। यही तो होना था बाबा, हिसाब ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं, बस हर टाइम दोस्तों के साथ पार्टी करता रहता है।
जो भी है तुम्हारा ये छोटा भाई है, इसकी जिम्मेदारी लो। बाबा छोटा नहीं, बहुत बड़ा हो गया ये, सही से सलाम भी नहीं करता है ये, बस इधर पूरा दिन बैठे रहते हैं जैसे हम पे कोई एहसान कर रहा हो। क्या सुन रहा हूँ मैं? अब ऐसी बात नहीं। अबू हमसे ऐसे ही कह रहा है, शेरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपको पता है। तो चलो मुझे फोन आ रहा है, मुझे इन बातों का नहीं पता, इसकी जिम्मेदारी लो। जी अबू। शेरी तुम जाओ अपने कमरे में जाओ। हमजा तुम्हें शर्म नहीं आती है? किस बात की शर्म? अबू वैसे ही शेरी को डांट रहे हैं, तुम उनको समझाने की बजाय उसे और डांट के बोलो। बिल्कुल सही डांट रहे हैं, ना पढ़ता है ना लिखता है। हम ना समझती हूँ सस्पेंड हो गया है वो। सस्पेंड हो गया है तो तुम्हें चाहिए और मुझे चाहिए उसकी मदद। तो पढ़ाओ ना तुम उसे। ये तुम लोग किस तरीके से बात कर रहे हो? किसी को तमीज नहीं है इस घर में बात करने की। ये क्या हो गया, किस बात का शोर है? तुमने अगर इनकी तरबियत की होती ना तो आज ये बात तुम मुझसे ना पूछ रही होती। अच्छा हटो। इतना गुस्सा नहीं हूं मैं, समझाती हूं। तुम्हारी वजह से बाबा डांट के गए मुझे। हमने तो कोई तमीज नहीं की, शेर को डांट खिलवाया था। अम्मी आपको नहीं पता ये? चुप करो। ये किस तरह बच्चों की तरह लड़ते रहते हो तुम लोग? कभी तो किसी चीज का एहसास कर लिया करो। तुम लोगों की वजह से कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती है मुझे। और हमें इसे घर भी देखने कितना क्या हाल बना दिए घर का। आज वरदा तो घर आया था। हमने तुम्हें ठीक करो किसी से लड़के आए हो क्या? नहीं मैं नहीं लड़के आया। किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? वो तुम्हारा आवाज
गंदे दोस्त हैं, उन्होंने तुम्हें कुछ कहा है क्या? मेरे दोस्तों ने कुछ नहीं। तो फिर क्या अब्बा की वजह से परेशान हो शेरी? मैं क्यों होने लगा अब्बा की वजह से परेशान? जो शख्स पिछले 20 सालों से आज तक नहीं बदला, उसकी वजह से मैं आज क्यों परेशान होने लगा? उनकी आदत है, वो हर किसी को। क्या आदत है? आप नहीं जानती, मैं जानता हूं। धक्के मुझे पड़ते हैं, आपको नहीं। डांट मुझे पड़ती है, आपको नहीं। उम्मीदों का बोझ मुझ पर डाला जाता है, आप पर नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात है, कहा था नहीं करनी मैंने इंजीनियरिंग, फिर क्यों डाल दिया? नहीं आती रातों को नींद मुझे, नहीं समझ आता कुछ भी। ऊपर से बाकी घर वाले क्या करते हैं? बाकी घर वाले भाई वजीर डांट पड़वाते, अम्मा तो काम काम में रोने लग जाती है। आप कुछ करना चाहती हैं ना? करना चाहती हैं आप जाएं अब्बा को जाकर कहें कि नहीं हूं मैं आपकी तरह और नहीं हूं मैं भाई की तरह। शेरी मैं नहीं हूं आपकी और भाई की तरह। शेरी क्या हुआ शेरी? यार क्या बताऊं? ओए आजकल तेरी शक्ल क्यों उतरी हुई है? यार घर वाले मेरे से जरा परेशान हैं। क्यों, क्या कोई गलती कर दी है? हाँ एग्जाम याद है? हाँ मैं उसमें पास तो नहीं हुआ था। क्यों, क्या पढ़ा नहीं था? मैं सस्पेंड था। सस्पेंड क्यों, क्या कैसे? यार क्लासेस में दिल नहीं लगता था तो मैंने पढ़ना और क्लास में जाना छोड़ दिया। ओए क्लासेस में पढ़ने कौन आता है, हम तो पुंडी के लिए जाते हैं। यार वैसे शहरी कहीं तेरा बच्ची वाला सीन तो नहीं? काश यार वही होता, कुछ समझ तो आता। हाँ हर कोई भाई की तरह थोड़ी होता है। अबे चल मिल गई है तुझे नूर शाहिद। यार अब तो रात को नींद भी नहीं आती है। क्यों, क्या दिन में सोते हो? सोता ही नहीं। यार शहरी तुम्हारे मसलों का अब एक ही हल रह गया। क्या? ये देख रहे हो यार तू मुझे सिगरेट भी लाने लग। ओए काके ये सिगरेट नहीं है, ये तो भरी हुई है। क्या यार गंदी आदतें लगाओ। गंदा कुछ नहीं है, ये जो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े मसले होते हैं। कहाँ जाते हैं? कहाँ? इधर ये लो यार ट्राई करो एक बार। शाबाश लड़के। हाँ भाई कैसी लगी? यार ऐसे इसका फिट सीन है। सही है, बस दूसरा कस ले और उड़ जा। जला तो दे। इसके बाद डांस करने का तो सीन है। ये क्या हो रहा है शेरी? अम्मी रक्स। बेटा शेरी क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी नहीं अम्मी, डांस कर रहा हूँ, आप भी करें। सही है यार, मैं तो सही तो नहीं लगता, ऐसे पावल पावल सा लगता है। हाँ यार
ऐसा बाप मिले तो अच्छे अच्छे भी पागल हो जाए। हाँ यार, अजीब खड़ूस बाप है उसका। एक बार मैं पता नहीं किस आसमान पे चढ़ा हुआ था, उसके बाप को कॉल मिल गई, सारे मुंह का सत्यानाश करके। अच्छा बस कर, तू तो चढ़ा ही रहता है। शेरी फिलहाल देखते हैं अगर आता है कि नहीं। हाँ यार, दोस्त एक हद तक ही जा सकते हैं। शेरी वही लगता है यार। कौन? अस्सलाम वालेकुम अंकल, शेरी के दोस्त हैं, उससे मिलने आए। शेरी यहाँ घर पे ही है, चले गए आप लोग, फिर ना आइएगा। इस खड़ूस से मिलना किसने था? क्या? मेरा बेटा पागल है? तारिक साहब, मैंने ये नहीं कहा कि वो पागल है। डिप्रेशन और पागलपन एक चीज का नाम थोड़ी है, तो हर किसी को हो जाता है। देखिए शहरयार मेरा बेटा है और वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहा। आप यहाँ इससे मिलने आएंगे, बेहतर है कि आप वही करें। सकीना ठीक ही तो कह रहे हैं तारिक साहब, अब जवान बच्चा है हमारा, किस तरह उसके ऊपर पागल का ठप्पा लगा दे। ये खानदान वाले, ये मुआशरा, ये मोहल्ले वाले पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे। मुआशरे को छोड़ो, हमारा ईमान कमजोर नहीं है, हमें डिप्रेशन वगैरह नहीं होता, हमें खुदा पर यकीन होता है। तारिक साहब डिप्रेशन और दीन का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, आप मेरी बातों पे इतना गलत मतलब क्यों ले रहे हैं? अरे दीन का आपको क्या पता होगा, आप कौन सा दीन पर अमल करती हैं? शायद आपके इसी रवैये की वजह से शहरी का ये हाल हुआ है। बस ये मेरा घर है और शहरयार मेरा बेटा है और वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहा। अगर आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करती तो आप जा सकती हैं। मेरे ख्याल से आप दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और मुझे डर है कि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। आगे आपकी मर्जी। वरदा जाने दो इसे। तारिक साहब, अब तो मुझे बहुत परेशानी हो रही है, वरदा भी चली गई, पर शहरी ने अपना क्या हाल बना दिया है? कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? कुछ गलत नहीं कर रहे हम, और इन डॉक्टरों से बचो, ये सिर्फ पैसे के पीछे होते हैं हमारे। बाबा जी से दम ना करवा लूं उसका? तुम्हें जो समझ में आता है करो, बस इन लोगों से बचो। हक अल्लाह
हक अल्लाह हक हक अल्लाह हक हक अल्लाह हक हक अल्लाह हक अल्लाह ता बीबी क्यों आई है बाबा जी मैं आपकी बेटी को लाई हूँ बाबा जी मैं इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ मुझे तो समझ नहीं आता नाम बता अपना मेरा नाम शेरियार है नाम बता अपना मैंने कहा ना मेरा नाम शेरियार है झूठ ना बोल मुझसे मैंने कह रहा हूँ मेरा नाम शेरियार है बाबा जी ना बीबी वो नहीं देख सकती जो मैं देख सकता हूँ क्या कह रहे हैं बाबा जी पैसाया है जादू है इस पे बाबा जी आप कुछ नहीं कीजिए सुतारना होगा मेरे बच्चे को बचा लीजिए बाबा जी बीबी तो एक काम कर इसे छोड़ जा बाबा जी हम इसे ठीक कर देंगे तू जा मम्मी मत जा मम्मी तू जा मम्मी मुझे छोड़ के मत जा मम्मी मुझे डर लग रहा है अल्लाह मम्मी मत जा हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह अल्लाह हू अल्लाह अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू निकल जा जल्दी से जल्दी जात निकल जा मुझे नहीं पता मैं
तुम क्यों नहीं समझाती इसे? Lights.
team. And for event management, the Dean's Office First Floor Squad, Ms. Sanya, Mr. Hassan, and Mr. Hamza. Thank you.